माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं यशिता श्रीवास्तव आप सबका यशिता क्लासेस चैनल में स्वागत करती हूँ। आज हम डिस्कस करेंगे कि बार्टर सिस्टम क्या होता है। क्या आप जानते हैं कि ये आज जो हम मनी का यूज कर रहे हैं, पैसे का आज जो ये चलन है, ये हमारी कंट्री में या हमारी इकोनॉमी में पहले से नहीं था। इससे पहले भी कोई सिस्टम चलता था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। उसके बाद ये मनी का एवोल्यूशन हुआ है, मनी का चलन हुआ है। तो आज हम समझेंगे बार्टर सिस्टम क्या होता है। इसलिए आप वीडियो को पॉज करके ना देखें, स्किप करके ना देखें, जिससे कि आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। सो बार्टर सिस्टम में सबसे पहले क्या होता था कि बार्टर सिस्टम में दो बंदे होने चाहिए, उसमें एक्सचेंजिंग पावर होनी चाहिए। जैसे मतलब बार्टर सिस्टम में गुड्स के बदले गुड्स को एक्सचेंज किया जाता था। जैसे मान लीजिए अगर मेरे पास व्हीट है और दूसरे बंदे के पास राइस है, मतलब अगर मेरे पास आटा है और दूसरे बंदे के पास चावल है, और अगर मुझे चावल चाहिए और उसको आटा चाहिए, तो हम दोनों एक्सचेंज कर लेते थे और इसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड बार्टर सिस्टम। इसीलिए ये क्या कहलाता है, बार्टर सिस्टम। मतलब बार्टर सिस्टम वो सिस्टम है जिसमें गुड्स के बदले गुड्स को ही एक्सचेंज किया जाएगा, मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। सो एक इसमें टर्म आता है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो क्या आप जानते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स क्या है? सो ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता है, इसमें क्या होता है कि साइमल्टेनियसली मतलब इमीडिएटली दोनों बायर और सेलर की वॉन्ट्स को सेटिस्फाई किया जाता है। जैसे मुझे चाहिए था राइस, उसे चाहिए था व्हीट, मैंने उससे राइस ले लिया और उसको व्हीट दे दिया। सो इससे क्या होता था कि मुझे मेरा ट्रांजैक्शन हो जाता था और इसमें मनी का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। मतलब जो भी बंदे को, जो भी बाय कर रहा है, जो भी सेल कर रहा है, उसका इमीडिएटली ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए, साइमल्टेनियस फुलफिलमेंट ऑफ वॉन्ट्स हो जाना चाहिए। मतलब दोनों की जो भी नीड है, जो भी नीड्स उनको सेटिस्फाई करनी है, वो नीड्स सेटिस्फाई हो जानी चाहिए। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि आखिर जब ये बार्टर सिस्टम चल रहा था तो ये क्यों मनी में कन्वर्ट हुआ, आखिर मनी की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो बार्टर सिस्टम था, इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी। क्योंकि अब मान लीजिए इसके डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, इसके डिमेरिट्स भी बहुत सारे थे। क्योंकि अगर हम मान लीजिए अगर कोई बंदे के पास डबल कोइंसिडेंस ऑफ पॉइंट्स है ही नहीं, मतलब मैं राइस लेने को तो तैयार हूं लेकिन वो व्हीट मुझे देने को नहीं तैयार है, तो क्या मैं एक्सचेंज कर लूंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। मतलब इसमें दोनों फुलफिलमेंट होनी चाहिए, वॉन्ट्स की फुलफिलमेंट होनी चाहिए। अगर मैं उसको राइस देंगी तो उसको भी मुझे व्हीट देना पड़ेगा। ओके, दोनों तरफ से दोनों बंदे सेटिस्फाई होने चाहिए। दैट इज वाई बार्टर सिस्टम में क्या होता था, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट्स होता था, जिसकी वजह से ये बार्टर सिस्टम का चलन थोड़ा सा कम हुआ। उसके बाद क्या हुआ कि जो सेकेंड हमारा आता है, उसमें क्या हुआ, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था। जैसे अगर हमें मान लीजिए हम 1 किलो उसको आटा तो दे रहे हैं, बट अब हम ये नहीं जानते कि हम 1 किलो आटा दे रहे हैं लेकिन वो हमें कितना राइस दे कि हमारी 1 किलो की जो उसको जरूरत है वो फुलफिल हो जाए। जैसे आप समझ लीजिए कि 1 किलो आटा मैं उसको दे रही हूँ और वो ये नहीं जानता कि अगर मैं 1 किलो के आटा की कीमत पता नहीं कितनी है एंड वो मुझे चावल की कीमत दे रहा है, वो पता नहीं चावल कितने का है। सो इसको डिसाइड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, कोई भी कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू नहीं था कि मतलब अगर वो 1 किलो चावल दे तो मुझे कितना आटा देना पड़ेगा और अगर मैं 1 किलो आटा दूं तो उसे कितना चावल देना है। दैट इज वाई इसमें क्या होता था, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तो इसमें क्या कहा गया कि आप समझ लीजिए कि जो हमारी मतलब ट्रांजैक्शन जो टेक प्लेस हो रहा है उसको आप क्या करिए कि फिक्स कर दीजिए। तो भैया जब तुम फिक्स कर देंगे हम लोग, तो इसमें क्या होगा, जो हमारी एक पार्टी होगी, पार्टी मतलब या तो बायर की साइड वाला या तो सेलर की साइड वाला, दोनों को सफर करना पड़ेगा। इसकी वजह से बार्टर सिस्टम का चलन और कम हो गया। अब क्या होता था कि आप लोग जानते हो जो बार्टर सिस्टम होता है उसको हम फ्यूचर पेमेंट के लिए नहीं रख सकते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हम चाहें कि जो हमारा बार्टर सिस्टम है, जो हमारे गुड्स हैं, उसको हम रख दें, कुछ दिन बाद उसको हम यूज कर लें और उसको हम अदला बदली कर लें, तो क्या ये हो सकता है? ये मुमकिन है? नहीं। अगर मान लीजिए गुड्स की वैल्यू घट गई तो क्या होगा? अगर गुड्स की डैमेज हो गया गुड्स तो क्या होगा, हम क्या एक्सचेंज कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे।
इसीलिए क्या हुआ कि हमारा बांटे सिस्टम का चलन और भी कम हो गया। और जो लास्ट रीजन था वो ये था कि हम स्टोर नहीं कर सकते थे, गुड्स को हम स्टोर नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी ड्यूरेबिलिटी मतलब उनकी जो सहन शक्ति थी, उनकी जो रहने की वो थी, वो बहुत कम थी। मतलब वो ज्यादा एग्जिस्ट नहीं कर सकते थे। मान लीजिए अगर मैं कोई भी टमाटर खरीद के ला रही हूँ दुकान से, तो क्या वो 10 दिन रख के सही रह सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं रह सकता है। उसकी जो टमाटर होगा वो खराब हो जाएगा, वो बिल्कुल टाइम के साथ वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। इसीलिए एक्सचेंज प्रोसेस नहीं हो सका। इसीलिए क्या हुआ कि ये जो बार्टर सिस्टम का चलन था ये बहुत ही ज्यादा कम हो गया, बार्टर सिस्टम कम होने लगा, इसका कोई भी एक्सचेंज नहीं होता था। इसीलिए हमारी इकोनॉमी में एवोल्यूशन हुआ मनी का। और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मनी कैसे आया, मनी की मीनिंग क्या होती है, एक्चुअल में पैसा होता क्या है, और कैसे हम एक्सचेंज करते हैं। ओके, सो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा अगर आप न्यू व्यूअर हैं हमारी वीडियो पर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।